हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट वर जैकोबिन क्लब्स. जैकोबिन क्लब्स क्या थे? हाउ डिड देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स हेल्प टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. एक्सप्लेन. देखिए, सबसे पहले हमें बताना है जैकोबिन क्लब्स क्या थे, उसके बाद हमें ये बताना है कि उनकी जो एक्टिविटीज है, उनके जो कैंपेन है, कैसे उन्होंने नेशनलिज्म के आइडिया को और देशों में अब्रॉड जो है पहुंचाने में मदद की, इसको एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स रीड अबाउट इट. जैकोबिन क्लब्स की बात करते हैं हम पहले. तो जैकोबिन क्लब्स क्या थे? दे वर द पॉलिटिकल clubs who planned the rise of French Revolution and the downfall of the king. ठीक है, Jacobin clubs हमारे पास क्या थे? ये political clubs थे जिन्होंने प्लानिंग जो है वो करते थे, क्या प्लानिंग की थी उन्होंने, फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरह से होगा और किस तरह से राजा का जो है वो डाउनफॉल होगा, कैसे राजा को हटाया जाएगा, मोनार्की सिस्टम जो है कैसे हटाया जाएगा. तो जैकोबिन क्लब की अगर हम बात करें, यहाँ पे रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन का नाम हमारे पास मेनली आएगा कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे पहले ज्यादा था जैकोबिन क्लब्स को फॉर्म करने के लिए. सो दीज वर फॉर्म बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास. अब इसके मेंबर कौन होते थे? इसके मेंबर होते थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग. अब एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग जो है वो आपके सर्विसमैन भी हो सकते हैं, वो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, बट वो एजुकेटेड थे एंड मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, तो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे. अब देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली इन द 1790s. अब देखिए क्या हुआ कि जैकोबिन क्लब में जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे, ये बैठते थे, आपस में डिस्कशन होती थी, इनके एक्टिविटीज, इनके जो कैंपेन होते थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि जब फ्रेंच आर्मीज दूसरी कंट्रीज के ऊपर अटैक किया, जिन्होंने दूसरी कंट्रीज की तरफ बढ़े, जैसे कि हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया एंड इटली हो गया, 1790s के टाइम के ऊपर जब इन्होंने ये लोग आगे बढ़े, तो क्या हुआ, इनको काफी हेल्प मिली. जैकोबिन क्लब जिस तरह से कैंपेन जो है वो प्लान थे और उनकी मूवमेंट की वजह से, एजुकेटेड मिडिल क्लास की मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि उनके आइडियाज फॉरेन कंट्रीज तक पहले पहुंच चुके थे. सो विद द आउटब्रेक ऑफ द वॉर्स फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो प्लानिंग की जा रही थी, जो नेशनलिज्म की प्लानिंग थी, जो वो सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहेगी. अब क्या हुआ, फ्रेंच आर्मीज जब दूसरी कंट्री में जा रही है, हॉलैंड जा रही है, बेल्जियम जा रही है, स्विट्जरलैंड जा रही है, इटली जा रही है, तो ये जो लिबर्टी का आइडिया है जो उस टाइम तक फ्रांस तक ही सीमित था, ठीक है, बट इस आइडिया को जो है इन्होंने क्या किया, इसको अब्रॉड लेके गए, नेशनलिज्म की फीलिंग को अब्रॉड लेके गए. तो इसमें मेन जो वर्क था वो किसका था, वो जैकोबिन क्लब्स का था. जैकोबिन क्लब में जो डिस्कशंस होती थी, जो लोगों को इंस्पायर किया जाता था, आपस में लोग डिस्कशन करते कौन से इवेंट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो उससे काफी लोगों में जो है नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई और उन्हें पता लगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, टू हूम दे हैव टू फेवर, उनको किसका फेवर करना चाहिए. तो इस तरह से उनके एक्टिविटीज और कैंपेन्स जो है धीरे धीरे उन्होंने नेशनलिज्म का आइडिया जो है अब्रॉड में स्प्रेड करने में काफी मदद की. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.